बीमारी, बीमारी कहते कैसे? यार एक मिनट रुको, ये फिर से तुम लोगों ने मुझे ये पहना दिया आज, चेंज करो इसको यार। बीमारी कैसे कहते हैं, आइए बात करते हैं। क्या सुबह उठते ही आपको बहुत थकावट महसूस होती है? क्या आपको बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता? क्या सुबह सुबह लोगों की बातें आपको जहरीली लगती हैं? क्या पूरे दिन के अंदर आपकी एनर्जी बहुत कम रहती है? क्या इसका मतलब है कि आपकी तबीयत खराब है? नहीं, आप सिर्फ लेजी हैं। कैसे पता चले कि अब मेरी तबीयत खराब है, अब घर पे बैठना ठीक नहीं और अस्पताल जाना चाहिए? सच्ची बात बताऊं तो इस सवाल का कोई इजी जवाब नहीं है। इंसानी जिस्म की मिसाल भी कुछ इस गाड़ी जैसी ही है। ये गाड़ी मुख्तलिफ पुर्जों से मिलकर बनी है और अगर इसका एक पुर्जा भी सही से काम ना करे तो ये भी सही से काम नहीं करती और हो सकता है कि ये चलने से ही मना कर दे। इसी तरीके से इंसानी जिस्म मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बना है। अगर उनमें एक ऑर्गन या बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम सही से ना कर पाए तो बीमारी पैदा होती है। किसी बीमारी को समझने का पहला स्टेप जो है वो शुरू होता है ऑर्गन के फंक्शन को समझने के। अगर आपको पता है कि ये ऑर्गन इस तरीके से काम करता है तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर इस ऑर्गन के इस काम में ये मसला होगा तो ये बीमारी होगी। समझ आया? दोबारा समझाऊं? ठीक है। कुछ ऑर्गन्स का सही से काम ना करना बहुत वाजे तरीके से नजर आता है, जैसे फेफड़े और दिल। दोनों की वजह से आपको सांस लेने में मुश्किल होगी और थकावट महसूस होगी। अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवालात हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इन सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे आगे के कुछ एपिसोड में और होपफुली आप ज़्यादा बोर नहीं होंगे। होपफुली। मेरा नाम है असद खान और ये है डॉक्टर साहब।